अंतस योग में आपका स्वागत है। मैं मिसेज जैन, योग विशेषज्ञ। आज की वीडियो में हम टारगेट करेंगे लोअर बैली फैट को, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जिनकी नाभि के नीचे चर्बी लटक कर बहुत बाहर आ जाती है। और यही नहीं, जब ये चर्बी बहुत ज़्यादा लटक जाती है तो महिलाओं को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, हॉर्मोनल इम्बैलेंस और PCOD की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे उनका मोटापा लगातार बढ़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टोटल बॉडी फैट लॉस के साथ साथ लोअर बैली फैट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शरीर को शेप में लाने और भीतर की तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने मोटापे से परेशान रहते हैं, तो कहीं दूसरे प्रकार के लोग अपने आलस तमस को दूर करना चाहते हैं, बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आपको एक्टिव रखेंगे और आपकी पेट की चर्बी को कम करेंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, सांस को बाहर निकालते हुए एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए नॉस्ट्रल से छूने का प्रयास करें। दोनों तरफ से 2-2 टाइम्स टच करने के बाद पैर को ऊपर नीचे चलाइए। ये कॉम्बो वर्कआउट है बॉडी फिटनेस के साथ साथ बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए। उत्तान पादासन को होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। बैली फैट के साथ साथ पूरे शरीर के मोटापे को कम करने के लिए आप इस प्रकार का स्ट्रेचिंग वर्कआउट कर सकते हैं, खास तौर से कंधे और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ चेस्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। जिन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा चेंजिंग सीजन में खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा रहता है, इस प्रकार का स्ट्रेचिंग वर्कआउट होल्ड करके कर सकते हैं। कॉम्बो वर्कआउट जैसे अभी हमने आपको बताया है, इसके कम से कम आप 5 से 7 सेट ज़रूर करेंगे। सांस को बाहर निकालकर एक पैर के घुटने को नॉस्ट्रल से लगाएंगे। दोनों पैरों से 2-2 बार करने के पश्चात आप अपनी क्षमता अनुसार इसकी संख्या ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव, शलभासन की वेरिएशन, दोनों हाथ आगे और उसके बाद फिर से भुजंगासन। कम से कम 8 से 10 बार ये पोज करेंगे। ध्यान रहे, बैली फैट के साथ साथ अगर आपका थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट है तो आप इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। सांस को बाहर निकालते हुए एक पैर को मैक्सिमम ऊपर की ओर उठाएंगे। शाइटिका से राहत दिलाने में भी ये पोस्चर फायदेमंद है। के सुखों का दीपक चारों दिशा जले, शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले, शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। आज फिलहाल इतना ही। अगर आप एक्सरसाइज को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए अंतस योग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
को हरता है ये ऊर्जा की पहचान, तन मन में ये चेतना भरता योग है अपनी शान।